आगरा एतमादुल्ला क्षेत्र में सुबह सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब ढाबा चलाने वाले 60 साल के वृद्ध का शव ढाबे के बाहर पेड़ पर लटका हुआ मिला। पेड़ पर शव लटकने की सूचना मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस ने भी मौके पर दौड़ लगा दी। जानकारी करने पर पता चला कि फाउंड्री नगर नराइच में 60 साल का वृद्ध कन्हैया लाल मुदगल फैक्ट्री के पीछे ढाबा चलाता था। मृतक के पुत्र जीतेंद्र ने बताया कि फैक्ट्री मालिक कल दोपहर को दो युवकों के साथ आया और कन्हैया लाल को फैक्ट्री की दीवार के पीछे से ढाबा हटाने के लिए अल्टीमेटम देकर गया। पीछे से दीवार को भी तोड़ दिया गया। रात को मृतक ढाबे में सोया हुआ था। सुबह जब देखा तो कन्हैया लाल का शव पेड़ पर लटका हुआ था। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पीएम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। अच्छा, क्या घटना हुई ये बताइए। कल वो जो फैक्ट्री वाला पीछे, उसने आगे कल गाय गुप्ता की है, यहाँ पे आके मारने की धमकी भी देके गया है। क्यों? यो कह रहा है यहाँ से इस दुकान को हटाओ, पहले भगोना वगैरह सब बर्तन भी फेंक के गया है। पहले इसका यहाँ पे गेट था, वो बंद कर दिया इसने। वो यो कह रहा है मैं यहाँ पे गेट बनाऊंगा अपना। तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे, वो पता नहीं क्या बात कर गए। मैं तो था नहीं यहाँ पे। नगर निगम के कागज भी है हमारे पास, वो भी देख के गए। आज क्या हुआ? आज हमें तो सुबह खबर मिली, वो हमें यहाँ लटके मिले थे। कौन लड़का मिला? हमारे पिताजी। अच्छा, इस संबंध में फिर आपने क्या क्या तहरीर दी है? अभी थाने में चल रही है, अभी तो कुछ नहीं हो, जा रहे हमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल। अच्छा, बताइए क्या घटना हुई है? मैं जहाँ जहाँ होके निकल रहा था। कब की बात थी? कल की। अच्छा, 2:30 के बीच। तो यहाँ फैक्ट्री वाले मालिक और उनकी गाड़ी खड़ी थी, एक वर्कर था, उसने धमकी दी थी, इनसे गाली गलौज दे रहा था। किससे गाली गलौज दी थी? कन्हैया लाल को, इनका जिन्हें होटल है, आप यहाँ से होटल हटा लो, नहीं हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ से अगर होटल नहीं हुआ तो तुम्हारी कल से सूरत भी नहीं दिखेगी। फिर क्या हुआ? उसने कह के चला गए, दरोगा जी आए थे, 112 पे कॉल किया, पुलिस आई थी, उन्होंने अपनी दीवार भीतर से तोड़ने का नंबर लगाया, पुलिस वालों ने समझाया काफी, वो नहीं माने। उसके बाद में दरोगा जी ने गाली दी, तब जाके वो माना। उसके बाद में वो धमकी दे के फिर पुलिस वाले उनको लेके गए चौकी। उसके बाद में ये साहब को अपने यहाँ चुपचाप रहे आए। फिर रात के समय क्या हुआ है ये नहीं। सुबह क्या हुआ? आज सुबह आके देखा है लोगों ने, तो फांसी पे लटके हुए मिले थे। कौन लटके हुए मिले थे? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, अच्छा। उनके पैर बिल्कुल जमीन पे धरे हुए थे और छोटी सी पतली सी फंदी थी आगे की जूते की। बस उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आके अभी पुलिस ने क्या, अभी पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है? जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी, अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया है। बॉडी को आई, बॉडी ले गई, जब तक भीड़ नहीं कोई आए, नहीं दो चार आदमी थे यहाँ पर, तब तक बॉडी को उठा के लेके फटाफट। क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? अभी ये चाहने का जब फैक्ट्री के बाहर कार्रवाई हो और उसको गरीबाई को मजदूरी को उसको हर्जाना मिले, उसके परिवार को हर्जाना मिले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।